तो मुझे एक रास्ते में घोड़ा मिल गया है और इसको लेके मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि इसका मालिक भी नहीं है। आजा आजा। तो भाई हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पैदल मार्ग। यहाँ से फिर लास्ट में हमने कार पार्क कर दी है, यहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट हो रहा है। और चलिए चलते हैं हम ट्रैकिंग के लिए, आगे देखते हैं पुलिस वाले कहाँ रोकते हैं कहाँ नहीं रोकते हैं। हमने हल्का सा शॉर्टकट मारा स्टार्टिंग में और हम मेन रास्ते पे अब आ गए हैं। ये रहा मेन रास्ता, यहाँ पर ही GMVN है सामने। तो मुझे एक रास्ते में घोड़ा मिल गया है और इसको लेके मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि इसका मालिक भी नहीं है। आजा आजा। अभी तो हमने मतलब प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया है और हम अभी थोड़ा घाटी में थे, तो वहाँ पे धूप नहीं थी और अब यहाँ पे धूप आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतिथि देवो भवा, जनता की सेवा, और मुख्य स्थलों के नाम एवं दूरी। यहाँ से यमुनोत्री 5 किलोमीटर है, दिल्ली 380, देहरादून 181, मसूरी 132, ऋषिकेश 217, उत्तरकाशी 125, बड़कोट 45, हनुमान चट्टी 10 और गंगोत्री 220। हाँ भैया जाने दे रहे हैं, मुश्किल है ना। कितना है? कुछ 15 तारीख के बाद, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं, 15 दिन यही लेटेंगे। कुछ भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, हम इस खाने के लिए परेशान हो गए। हमें कोई भी लकड़ी पे खाना नहीं खिला रहा, सब गैस पे खिला रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल खाएंगे एक बार रास्ता खुल जाए, काश भगवान करे जाने दे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। वो लोग थोड़ा आगे निकल गए, मैं इनसे बात करने लगा था जो पीछे जो खाना बना रहे थे। तो एक्चुअली मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई क्या सिचुएशन है, तो इन्होंने बोला कि देखो हम तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, हम तो ठेके पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे ठेकेदार आएंगे उनसे भी कुछ सिफारिश करना, पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करना, मान लो आपको जाने देंगे तो फिर 10 लोग और बोलते हैं कि हमें भी जाने दो। तो देखते हैं क्या होता है अभी। भाई यहाँ के फेमस डॉग, बहुत ही खतरनाक भूटिया कुत्ते। भाई ये कुत्ते किसी से नहीं डरते, भाई देखो इनकी पोजिशन देखो, अलर्टनेस देखो, लेपर्ड आ जाए शेर आ जाए किसी से नहीं डरते। तो अभी वहाँ पे जो भूटिया कुत्ता नहीं है उसको देख के ये पूरा अटैक मूड में है, और इसके सामने देखो कैसे दुम दबा के पूरा आत्मसमर्पण कर दिया उस कुत्ते ने, क्योंकि पता है इसके सामने कुछ नहीं चलेगी उसकी। और यहाँ पर धूप निकली थी और यहाँ पर छाव है आगे, तो माफ़ करना दोस्तों अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो, बोरिंग लग रही हो, लेकिन मेरा बनाने का स्टाइल यही है। थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ मैं हर चीज़। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और बिल्कुल मंदिर पे खड़े होकर बनाने लगते हैं, स्टैंड पे ट्राईपोड स्टैंड पे खड़ा करके, और अपना बोलते रहते हैं वो। तो यहाँ पे कुछ खेत भी हैं, यमुना नीवर उधर बह रही है और इधर से हम आए हैं, रास्ता खाली है, अभी कोई टूरिस्ट इतने मिल नहीं रहे हैं। कुछ एक दो मिल रहे हैं, वो बहुत निराश हैं, वापस जा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी तरह से जाने दें, लेकिन पुलिस वाले उनको दिलासा दे रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले और प्रशासन बोल रहा है कि 15 तारीख के बाद खुलेगा, अभी हमें बोल रहे थे 12 तारीख के बाद खुलेगा, और आज तो मैं बता दूं आपको 10 तारीख है। यहाँ पे इस तरह के कुछ मकान बने हुए हैं, बंगले टाइप, लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये कौन सा ट्रस्ट है, कौन सा आश्रम है। ये बंद पड़ा है, अंदर से ताला लगाया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है रुकने की, शांति में। यहाँ पे हवन वगैरह करते हैं ये लोग, और कमरे वगैरह हैं, खाली पड़े हैं अभी। तो भाई कुछ देर चलने के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN का रेस्ट हाउस आ गया है। एक्चुअली ये जो रेस्ट हाउस है मैंने बुक क्यों नहीं किया, देखो ये हट्स होती हैं और इनके पास डोरमेट्री भी है। ये 400 रुपये विद एक्स्ट्रा, मतलब उसमें GST मिला लो आप, कि एक डोरमेट्री पड़ती है। इतने में तो नीचे रूम मिल जाता है जिसमें 4-5 बंदे आराम से रुक जाते हैं, और एक इनका रूम 2000 रुपये का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
नीचे एक रूम 500 रुपये में मिलता है, ये 2000 रुपये में देते हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक नहीं की थी ऑनलाइन। तो भाई मैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस यहाँ पे जनक जानकी चट्टी में आपको दिखा देता हूँ, एक अंकल जी हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। तो भाई देखो आगे तो जा नहीं पा रहे हैं, पुलिस वालों ने बिल्कुल रोक दिया है अब थोड़ा यहाँ पे। अच्छा ये आपका रिसेप्शन है? अच्छा आई फॉलो दिस गोल्डन रूल रिसेप्शन, चलो बहुत अच्छा। ये रूम का सर अच्छा ये है गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये देखो यहाँ की वेबसाइट है, फोन नंबर है, और डिलक्स रूम है वो 2016 रुपए में, और डोरमेट्री है वो 400 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी है इनमें, है ना जी सर। चलो अच्छा एक डिलक्स रूम में कितने लोग रुक सकते हैं? 200 सिर्फ, दो रूम और एक एक आध बच्चा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा है एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा देते हो? सर उसमें मतलब जगह नहीं सर। अच्छा जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। काफी अच्छा है यहाँ पे बैठने के लिए, पीछे पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, शांति में। कितना अच्छा सोफा डाला हुआ है, बिल्कुल उसी। अच्छा ये कौन सा डिलक्स रूम? जी डिलक्स रूम। अच्छा चलो ये बाथरूम दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, गीजर वगैरह सब लगा हुआ है। चलो एक मिनट। अच्छा ये वाइट कलर की ब्लैंकेट, स्प्रिंग मैट्रेस है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलो ये तो डिलक्स रूम हो गया, काफी मतलब कम स्पेस है इसके अंदर जी सर। और डोरमेट्री दिखा दे। तो भाई मैं आपको डोरमेट्री भी दिखा देता हूँ, आइडिया लग जाएगा कि डोरमेट्री कैसी है यहाँ पे जानकी चट्टी यमुनोत्री में। ये जगह रुकने का फायदा यह है कि यहाँ से बिल्कुल आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे ट्रैक स्टार्ट करोगे तो अच्छा ट्रैक है। वहाँ से तो वापस आ गए हैं, पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि थोड़ा फिर मैंने सोचा कैमरा देख के वो वैसे भी परमिशन भी देता तो फिर वो जाने ना दे, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। और मैंने GMVN की आपको दिखा दी है, ये फ़ोटो आप डोरमेट्री का देख रहे हैं इस टाइम जो मैं फ़ोटो अभी आपको लगा दिया, क्योंकि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन आ गया था तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया डोरमेट्री का। तो कोई बात नहीं, अब हम वापस आ गए हैं, अब पुल पार करके उस तरफ गांव के उस तरफ जाएंगे, और वहां पे एक समर टेपल बोलते हैं जहां पे ये नहीं विंटर में जब यहां पे मूर्ति रखी जाती है नीचे आ जाती है यमुनोत्री माँ की टेंपल, तो वहां पे रखी जाती है। वो टेंपल भी बहुत अच्छा है, पिछली बार मैं वहां पे जा नहीं पाया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई यहां पे एक डॉग है, कितना प्यारा, ले मैं बुलाने की कोशिश करता हूं इसको, देखते हैं आता है कि नहीं आता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ नहीं लगा रहा भैया, एग्रेसिव हो जाएगी। अब शीतकालीन यमुना के टेंपल में आ गए हैं, मैं पिछली बार यहाँ पे आ नहीं पाया था, देखो कितना भव्य कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया देख के। इस मंदिर के एक्चुअली ये हाइट पर है, मैं अभी आपको वहाँ से दिखा दूंगा, और इसके बराबर में एक कीकानी तीर्थ निवास है, इसका नंबर भी दे दूंगा, रूम भी दिखा दूंगा अगर पॉसिबल है, फिर आप इसके बराबर में रुक सकते हैं अगर कभी यमुनोत्री टेम्पल आए। और इधर ही हेलीपैड है यहाँ पे यमुनोत्री का, और इसको किरसाली गाँव बोलते हैं, किरसाली, यहाँ पे भी काफ़ी गेस्ट हाउस है। चलो तो चलते हैं, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा पहले पाइप से हाथ बात धो लो ये रहा, और यहाँ पे जूते चप्पल उतार दो। यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है, हम कहीं उधर रुके हुए थे उस तरफ, हाँ, और हम अभी इधर तरफ आए हैं खिरसाली गांव में। और देखिए नकाशी की गई है पूरी लकड़ी पर बहुत अच्छी तरह से, और ये कुछ टांग रखे हैं यहाँ पे,
ये मैं इस मंदिर का चक्कर काट रहा हूँ। और यहाँ पर ये गेस्ट हाउस है जिसका नाम है ककानी तीर्थ निवास। एसी रूम अवेलेबल, नंबर मोबाइल छुपा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पंडित जी, ये शीतकालीन बोला जाता है इसको? शीतकालीन मंदिर है। अच्छा, जो है सूर्यपुत्री है। अच्छा, और यमराज की बहन है। अच्छा अच्छा, सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ओके, संज्ञा से वो यम और यमुना। हाँ जी। और छाया से शनि महाराज। हाँ जी। तो ये जो नदी बह रही है वो यमुना जी की शीतल धारा है। अच्छा अच्छा। और यमुनोत्री वैसे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। और ये यमुना जी का शीतकालीन मंदिर है। हाँ जी। वहाँ से जब बया उसको कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने के लिए यहाँ पूजा होती है। यहाँ पे शीतकालीन मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है। और इसके बाद अक्षय तृतीया को जब यहाँ पे वहाँ से ढोली आ जाती है तो अक्षय तृतीया को यहाँ से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करती है। ओके ओके। हाँ जी। तो वहाँ पे 6 महीने पूजा वहाँ पे होती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे यमुना जी का शीतकालीन मंदिर है, यहाँ तो पे अभी पूजा होती है। ये तो अभी बनाया ना, जैसे नकाशी की गई है पूरा? नया बना, पहले बीच में दूसरा मंदिर था यमुना जी का, फिर अभी। तो सर्दियों में ये गाँव वाले चले जाते हैं, यही रहते हैं पुजारी लोग, सब लोग यही? अच्छा, मतलब यहाँ पे ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती, ऊपर ही रहती है? बर्फ क्यों नहीं, बर्फ तो यहाँ पे 7-8 फुट बर्फ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। सेवा है तो रहना ही पड़ता है जी के। अच्छा अच्छा, ठीक है, रहना ही पड़ता है। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हमारी नजर पड़ी वहाँ पहाड़ों पर, और कुछ गांव वाले वहाँ पे अपना खेती कर रहे हैं, और जो घास है सूखी उसको इकट्ठा करके जला रहे हैं। वहाँ पे देखो हल भी, मतलब हल जोत रखा है। खच्चर से चला रहे होंगे वहाँ तो? बैल है। अच्छा, बैल है। तो देखो पूरा नीचे गांव है और पूरा स्टेप में पूरा खेत है वहाँ पे। तो मैं आपको उस लॉज का नंबर दे देता हूँ। चुटकी चुटकी चुटकी, यहाँ पे भी एक लॉज है, चिदम्बरम बिलरम कबर गादी सरस्वती शिशु मंदिर। अच्छा, तो मंदिर ही तो स्कूल है यहाँ पे, मुझे लगा लॉज है। इसका नंबर क्या है? नंबर ही नहीं दिख रहा, ईंट रखी है। 9557645017। ठीक है, तो भाई नंबर मैंने आपको बता दिया है। अब कमरा मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके ओनर यहाँ पे है नहीं, बाकी नॉर्मली कमरे होते हैं। इंग्लिश बाथरूम होता है और गीजर होता है, डबल बेड होते हैं, किसी में 3 बेड होते हैं, किसी में 4 बेड होते हैं, वो आप फ़ोन करके मालूम कर लेना। यहाँ पर यमुनोत्री में जियो के सिग्नल सुपर है, 4G चलता है, बहुत हाई स्पीड से नेट चलता है, जियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो यहाँ पे 10,000 साल पुराना शनि देव का मंदिर है लकड़ी से बना हुआ, वो देखने लायक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सॉरी, देखो आज वहाँ तो जा नहीं पाए यमुना जी के टेम्पल में, जो कि 5 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद था। वहाँ पर गर्म पानी का स्विमिंग पूल भी था, तो गंदक का पानी आता है वहाँ पे, तो वहाँ नहीं जा पाए। तो मैंने आपको ये वाला टेम्पल दिखा दिया जो शीतकालीन टेम्पल है, और अभी आपको शनिदेव के मंदिर ले जा रहे हैं। शनिदेव मंदिर की तरफ जाते हुए गांव के बीच से पतली पतली रोड से, यहाँ पे कुछ गांव